Hello students, very good morning everyone. How are you all? I hope you all are fine and safe at your home. Students, first of all everyone, welcome to our SS revision class, okay? So student, first of all, as we all know that our revision is running, okay? So student, in a previous video, we already discussed chapter number 1 and 2, okay? So student, in this video class, we are going to start chapter number 3. इन बेसिक इन्फॉर्मेशन एंड हमारा जो वर्कशीट का रिमेनिंग वर्क है वो भी हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीवन टेक आउट योर वर्कशीट, सॉरी रिवीजन शीट. कैन टेक आउट योर पेज नंबर 5. ओके, सो before start our revision work, we are going to start our textbook. So everyone, first of all take out your textbook. Student, in a previous video we already discussed chapter number 1 and 2, okay? And this video class we are going to start chapter number 3, My Sweet Home, okay? So student, इन दिस चैप्टर में क्या है, सबसे पहले तो हिरोशी नाम का बॉय है, उसने अपना न्यू घर है वो लिया है, ठीक है? सो न्यू घर में वो हाउस में शिफ्ट होने जा रहा है, ठीक है? सो सबसे पहले वो अपने फ्रेंड्स को किसके लिए बुला रहे हैं, गृह प्रवेश पूजा के लिए बुला रहे हैं, ओके? सो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है कि अभी इसमें हिरोशी की बात है, बट वैसे देखा जाए तो अब इसमें माय स्वीट होम के अंदर हमारा जो हाउस है उसके अंदर जो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के रूम है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी है, ठीक है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट लिविंग रूम, ओके? सो हिरोशी भी अपने फ्रेंड्स को अपने लिविंग रूम में जाके उसके जो लिविंग रूम है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि लिविंग रूम में क्या क्या होता है, टीवी होता है, कंफर्टेबल सोफा सेट भी होता है, ठीक है? और लिविंग रूम का मीन्स उसका यूज़ क्या होता है कि लिविंग रूम ही एक ऐसा रूम है जहाँ पे पूरे फैमिली मेंबर्स बैठ के एक साथ इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बातें कर सकते हैं. वो कौन सा रूम है जहाँ पे पूरी फैमिली एक साथ मिल के बैठ सकती है, वो है लिविंग रूम. गेट इट? सो हमने बात की अभी लिविंग रूम की. देन फिर हीरो से है वो अपने फ्रेंड्स को बेडरूम में लेके जाता है. तो स्टूडेंट ये भी हमें पता है कि बेडरूम है यानी कि क्या, बेडरूम दैट मीन्स आवर पर्सनल रूम, है ना? बेडरूम है वो हमारा पर्सनल रूम भी कहा जाता है. बेडरूम के अंदर हमारी सारी पर्सनल थिंग्स है वो हम कहाँ पे रखते हैं, बेडरूम के अंदर. फॉर एग्जांपल हमारे कपड़े, हमारे स्टडी के रिलेटेड, हमारे एक्टिविटी रिलेटेड जो भी सारी थिंग्स है वो सबकी सब थिंग्स है वो हम कहाँ पे रखते हैं, बेडरूम के अंदर रखते हैं, ठीक है? That's why bedroom is called a personal room. Bedroom को हम personal room के नाम से भी जानते हैं, ठीक है? So हीरोशी का जो bedroom है वो भी बहुत बड़ा airy था and spacious भी था, having a lot of space, है ना? Then so student हमने अभी बात की living room के बारे में and bedroom के बारे में. Then next one है kitchen. सो किचन के अंदर क्या है, किचन वी कुक फूड, है ना? इन द किचन हम कोई भी टाइप्स के फूड अगर हमें खाने हैं तो हम कहाँ पे बनाते हैं, किचन में. किचन के अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हर एक टाइप्स के फूड है उसको कुक कर सकते हैं. किचन के अंदर वी कैन सी दैट मेनी ऑफ द थिंग्स है वो किचन के अंदर होती है, स्टोव है, गैस सिलेंडर है, जार है, कितनी सारी प्लेट्स है, स्पून है, ईटिंग के रिलेटेड सारी जो भी यूटेंसिल्स है वो सब हम कहाँ पे रखते हैं, किचन के अंदर ही रखते हैं, ठीक है? फिर आती है बात बाथरूम की. सो बाथरूम का यूज़ हम किस में करते हैं, बाथरूम करने के लिए करते हैं बाथरूम का यूज़, है ना? जब भी हमें बात करना हो तो हम कहाँ पे जाते हैं, बाथरूम में जाते हैं, ठीक है? सो फिर उसके बाद अगर बात करते हैं गेस्ट रूम की, तो हमारे घर में कोई भी गेस्ट आता है सो उसको हम कहाँ पे रुकने के लिए बोलते हैं, गेस्ट रूम में, ठीक है? फिर डाइनिंग रूम में जहाँ पे हम
खाना खाने के लिए यूज करते हैं वो है हमारा डाइनिंग रूम। ओके देन लास्ट वन में बात आती है लॉन। ओके अब लॉन मीन्स क्या है कि एक स्मॉल गार्डन इन फ्रंट ऑफ आवर हाउस, हाउस के फ्रंट साइड में जो छोटा सा गार्डन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लॉन बोलते हैं। ठीक है, वहाँ पे हम हमारी पूरी फैमिली के साथ बैठ के रिलैक्स भी फील कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की गेम्स भी खेल सकते हैं। ठीक है, सो वो क्या है, वो लॉन है। गेट इट? सो स्टूडेंट ये हुई हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू चैप्टर नंबर 3 माय स्वीट होम। ठीक है, हमारे होम के बारे में कौन सी थीम्स होती है, कौन से रूम के अंदर हम क्या करते हैं, कौन से रूम का यूज़ किस टाइप से हम करते हैं, ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने चैप्टर नंबर 3 से ली है। ठीक है, सो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा रिविजन। ओके सो एवरी वन फर्स्ट ऑफ ऑल टेक आउट योर रिविजन सीट। ओके और टेक आउट योर रिविजन सीट पेज नंबर 5। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट 7:27। अ कोल्ड डिश ऑफ मिक्सड रो वेजिटेबल इज कॉल्ड दिस। अब जो रो वेजिटेबल्स है उसका आप भी हम यूज खाने में करते हैं। ठीक है, ये भी हमें पता ही है ना कि रो वेजिटेबल्स का यूज़ हम खाने में करते हैं, हमारे लंच के अंदर हम रो वेजिटेबल्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, सो वो रो वेजिटेबल है उसको हम क्या बोलते हैं, सलाद बोलते हैं, करी बोलते हैं या कस्टर्ड बोलते हैं, सलाद है ना। सलाद का यूज़ हम किस में करते हैं, रो वेजिटेबल मिक्स रो वेजिटेबल से उसको हम क्या बोलेंगे, सलाद बोलेंगे। उसके अंदर टोमेटो है, कुकुम्बर है, कैरेट है, केबिज है ना, डिफरेंट टाइप्स के फ्रूट्स है उसका भी हम यूज़ करते हैं और साथ में सब मिक्स करके हम उसको रो वेजिटेबल्स ही ऐसे ही खाते हैं। ठीक है, विथ आवर लंच। ओके सो हम किस में किक मार करेंगे, सलाद। देन द वैष्णो देवी टेम्पल इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ डेस। वैष्णो देवी का जो टेम्पल है वो कहाँ पे आया है, उसका लोकेशन कौन सा है, जम्मू कश्मीर। ओके सो टिकमा कौन जम्मू कश्मीर। देन द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ पंजाब, पंजाब का हार्वेस्ट फेस्टिवल कौन सा है। स्टूडेंट जब चैप्टर एक्सप्लेनेशन हो रहा था तब हमने ऑलरेडी डिस्कस किए थे कि कितने सारे ऐसे फेस्टिवल्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के अंदर हम सेलिब्रेट करते हैं। सो फॉर एग्जांपल गुजरात है तो इसमें नवरात्रि है, उत्तर प्रदेश में होली है, असम में बिहू है, ठीक है, केरला में ओणम है, तमिलनाडु में पोंगल है, वैसे ही पंजाब के अंदर कौन सा फेस्टिवल है वो बहुत ही फेमस है, बैसाखी है ना। हमारे चैप्टर के अंदर ऑलरेडी मेंशन किया ही है, बैसाखी इज द फेमस फेस्टिवल ऑफ पंजाब। ओके सो यहाँ पे यू कैन सी हियर बिहू एंड पोंगल, बट बिहू तो असम का फेमस फेस्टिवल है एंड पोंगल वो तमिलनाडु का फेमस फेस्टिवल है। ठीक है, सो यहाँ पे हम किस में टिक मार्क करेंगे, बैसाखी। देन 30 है, विच ऑफ दिस इज नोन एज अ फेस्टिवल ऑफ कलर्स, इसमें से कौन सा ऐसा फेस्टिवल है जो फेस्टिवल ऑफ कलर के नाम से जाना जाता है, होली, ईद या दिवाली। फेस्टिवल ऑफ कलर, फेस्टिवल ऑफ कलर के नाम से कौन सा फेस्टिवल जाना जाता है। चिल्ड्रन फेस्टिवल ऑफ कलर में होली होता है, ठीक है, और फेस्टिवल ऑफ लाइट्स में क्या होता है, दिवाली। ओके
फेस्टिवल ऑफ कलर यहाँ पे दिया है, तो हम किस में टिक मार्क करेंगे? ऑफ कोर्स होली में। तो ये हो गए हमारे एमसीक्यूज। नाउ नेक्स्ट पेज जो कि है पेज नंबर 6 फिलअप्स हैं। द फेमस बोट रेस इज हेल्ड इन अ डेज। फेमस बोट रेस है वो कहाँ पे होती है? चलो हमारा जो चैप्टर नंबर 10 है उसके अंदर हमने देखा है कि फेमस फेस्टिवल होता है उसमें बोट रेसेस होता है, बट कौन सा ऐसा फेमस फेस्टिवल होता है जहाँ पे बोट रेस करते हैं? केरला में है ना। तो यहाँ पे हम गुजरात है उसको इरेस करके ऑप्शन में हम केरला लिखेंगे, ठीक है, बिकॉज बोट फेस्टिवल है वहाँ पे होता है। सो वी विल राइट डाउन स्पेलिंग ऑफ केरला। Then next one is there is a desk near my house where I study. Okay, so हमारे घर के बाजू में क्या होगा जहाँ पे हम स्टडी करने के लिए जाते हैं? स्कूल। Then नेक्स्ट वन है द गोल्डन टेम्पल इज लोकेटेड इन देस। गोल्डन टेम्पल है उसका लोकेशन कहाँ पे है? सो गोल्डन टेम्पल है वो कहाँ पे आया है? पंजाब में है ना। यहाँ पे गुजरात और पंजाब दो ऑप्शन दिए, तो ऑब्वियसली गुजरात में तो है ही नहीं, हम सबको पता है। सो राइट आंसर है उसका क्या है? पंजाब में ना। वाई? बिकॉज गोल्डन टेम्पल है वो कहाँ पे आया है? पंजाब में आया है। ओके, सो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? पंजाब। वी विल टिक मार्क ऑन पंजाब, ठीक है। देन नेक्स्ट वन है जो कि 4th वन है, डेजीज गो टू चर्च टू प्रेयर सीज डेज। डेजी है वो प्रेयर करने के लिए चर्च में जाती है, ठीक है। सो वो चर्च में जाती है, सो वो क्या होगी? क्रिश्चियंस होगी या मुस्लिम होगी? ऑब्वियसली क्रिश्चियन। वाई? बिकॉज क्रिश्चियन गो टू चर्च फॉर द प्रेयर। ओके, सो हम क्या लिखेंगे? क्रिश्चियन। Get it? Then next one. In winter we wear clothes that keep us warm. है ना, विंटर में हम कैसे कपड़े पहनते हैं? वुलन क्लॉथ पहनते हैं। वुलन क्लॉथ keeps us warm. Okay? So we will tick mark on warm. Then next one is butter and cheese are days product. Butter and cheese है वो कैसे product है? Milk product है या meat product है? Meat product है ना। तो हम किस में टिक मार्क करेंगे? Milk में। We get wool from monkey या sheep? Sheep। डेज गो टू द टेम्पल ऑन जन्माष्टमी। जन्माष्टमी में टेम्पल कौन जाते हैं? हिंदूज या ज्यूज? ऑब्वियसली हिंदूज। वाई? बिकॉज हिंदूज गो टू टेम्पल फॉर प्रेयर। ओके, सो हम लिखेंगे हिंदूज। ओके सो स्टूडेंट, ये हुआ हमारा रिविजन आज का। ओके, सो टूडेज योर होमवर्क इज यू हैव टू कंप्लीट CW from your home, okay, in your division.
ओके. आई होप यू पीपल आर एंजॉयड इन दिस वीडियो क्लास. ओके, थैंक यू एवरीवन. हैव अ नाइस डे.